बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की खिदमत में अब्दुल बहरी देखतावा से फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर। मैंने पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर सर्फिंग के दौरान एक स्पीकर देखा जो कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट दराज वालों ने की हुई थी, मुझे पसंद आया। तो मैं वैसे दराज वालों से ज़्यादा चीज़ें मंगवाता नहीं हूँ और ना ही ये मेरी वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो है, ना ही कोई स्पॉन्सर वीडियो है। मुझे एक स्पीकर अच्छा लगा दराज वालों से और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और वो मुझे मेरे घर पे मिला। और इसका जो रिसीविंग थी जब मैंने की तो मैंने इसकी पेमेंट उसी वक्त पे दी। स्पीकर में बहुत कुछ ख़ास नहीं है लेकिन एक सादा सा स्पीकर है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आया तो मैंने कहा चूँकि मुझे ये स्पीकर मिला है तो मैं इसको यूज़ करने से पहले इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो आप लोगों के सामने कर लूँ और आपको बता दूँ कि अगर ये स्पीकर आपको अच्छा लगे, आपके भी दिल को भाए, तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो में दे दूंगा। इसकी पैकिंग पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसकी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बताई हैं कि जहाँ पे ये यूज़ होता है। आप गार्डन में बैठ के भी यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वालिटी जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो ये कि इसकी लाइट जो है वो कलरफुल हैं और ये एक टच के बेस पे कलर चेंज करने वाला स्पीकर है जिसकी ऊपर हेड के ऊपर आप हाथ लगाएंगे, अगर लॉन्ग इसके ऊपर टच रखेंगे तो ये लाइट्स के कुछ पैटर्न चेंज होंगे और अगर फौरी तौर पर टच करेंगे तो इसके कलर्स चेंज होंगे। नीचे इसके इसने स्पेस दिए हुए हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जाहिर बात है कि इसके स्पीकर्स ब्लूटूथ अटैचमेंट के साथ आते हैं और इसके अंदर SD कार्ड लग सकता है, USB लग सकती है, इसके साथ एक चार्जिंग केबल होती है, ये चार्ज किए जा सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी होती है और इसके बॉक्स में से हमें एक स्पीकर मिला। बॉक्स को हम साइड पे रख देते हैं। दो अदद केबल्स मिली हैं, एक केबल लाजमी बात है इसकी चार्जिंग के लिए यूज़ होगी, माइक्रो USB है। एक केबल है कि अगर आप कोई डिवाइस इसके साथ ऐसी लगाना चाहते हैं जैसा कि आपका लैपटॉप वगैरह है या आप अपने टेलीविज़न के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इसकी अटैचमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं। और सिंपल सा एक स्पीकर है और यहाँ पे इसका पैनल दिया गया है बटन्स का, जिससे आप इसके डिफरेंट मोड्स को अप्लाई करेंगे, चलाएंगे और ये ऑन हो जाएगा। इस जगह पे इसका गालिबन सेंसर है, यहाँ पे इसकी चार्जिंग पोर्ट है, इस जगह पे आप इसका SD कार्ड लगाते हैं और ये जो केबल आपको मिली है यहाँ पे ऑडियो के लिए, ये आप एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस केबल को किसी भी डिवाइस के लिए। इसके साथ यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट के लिए पोर्ट दी गई है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पे। और यहाँ पे इसका है ऑन ऑफ बटन और हम इसको कर लेते हैं ऑन। और ये मेरे पास चूंकि लाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी लाइट को कम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसकी एक्चुअल में जो रोशनी है वो कैसी है। ये फ़िलहाल अपनी वाइट लाइट में जला है। ये देखिए इसके स्टेप्स बन रहे हैं, लाइट के डिफरेंट स्टेजेस बन रही हैं। और अगर मैं इसको यूँ करता हूँ तो ये देखें स्वैप करने पे, और अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो अब ये डिफरेंट कलर्स में चली गई है लाइट। साउंड के अतबार से ये एक सिंगल स्पीकर, इसमें ड्यूल स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर ही है। आवाज़ इसकी इतनी है बस के जो आपके एक रूम की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। अलबत्ता हाँ, ये एक नाइट लाइट के तौर पर एक अच्छा स्पीकर है, आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये स्टे कर जाए तो ये किसी एक कलर में स्टे भी कर जाएगा। और इसकी लाइट अगर आप सोते वक्त कम करना चाहते हैं तो आप इसके स्टेप्स ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर बहुत कम रखना चाहते हैं, ये इसका स्टेप 1 है जो कि नाइट लाइट के तौर पे बेहतरीन काम करेगा। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी लाइट को फुल भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस रखेंगे यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अपना हाथ रखेंगे तो ये मल्टी कलर्स में रोटेट करना शुरू कर देगा। जहाँ इसको आप स्टॉप करवाना चाहते हैं वहाँ पर इसको आप स्टॉप कर लें, और इस दौरान में अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये जिस कलर में आप इसको स्टे करवाना चाहते हैं इसमें आप स्टे करवा सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर अच्छी चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि इसके नीचे एक स्टैंड दिया गया है, इसको अगर आप किसी जगह हैंग करना चाहते हैं तो आप इसको पिकनिक वगैरह पे जाते हो, गाड़ी में हैंग करना चाहते हैं, डैशबोर्ड पे रखना चाहते हैं तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी जो एक स्टैंडर्ड स्पीकर में हो सकती है बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बहरहाल मुनासिब एक इसकी वॉइस क्वालिटी है जो कि एक रूम के
की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपका काम पूरा कर सकती है, या आप इसके ऊपर मॉर्निंग टाइम में तिलावत सुनना चाहते हैं तो इस काम के लिए भी ये एक अच्छा स्पीकर है। छोटा सा स्पीकर जो कि मुझे तकरीबन 1000 रुपीज़ के अंदर घर में TCS के चार्जेस के साथ ही मिला है, या जो दराज के अपने चार्जेस होते हैं उसके साथ, तो 800-900 रुपये में, 1000 रुपये में अगर आपको ये चीज़ घर पर मिल जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आइटम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको आप इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस इसी तरह से रेगुलर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।